नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल आपने देखा कि हम एक बेबी फोटोशूट के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शूट हम किस तरीके से करेंगे, हम पोजिंग किस तरीके से करेंगे। तो बिल्कुल भी लेट ना करते हुए सीधा चलते हैं शूट की तरफ। तो दोस्तों आइए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक सेटअप कर रहे हैं। फिलहाल मैंने एक वाइट कलर का पर्दा लगाया हुआ है यहाँ पे, साथ ही मेरे स्टूडेंट भी हैं जो कि मास्टर क्लास में आए हुए हैं। और ये शूट हमने किया था जब मास्टर क्लास चल रहा था। और देखिए यहाँ पे एक फ़र वाला कपड़ा मैंने बिछाया हुआ है, यह हमने बिछाया हुआ है। और मेरे हाथ में है गोडॉक्स AD200 फ्लैश, जिसमें मैं हेड चेंज कर रहा हूँ। उसमें मैंने फ्लैश हेड के बदले जो लाइट लगती है वाली हेड लगा के रखी हुई है, या लगाया है मैंने। और अब इसे मैं माउंट कर रहा हूँ एक स्टैंड पे। स्टैंड पे इजीली ये माउंट हो जाता है, इसमें एक फ्लैश क्लैम्प दिया हुआ रहता है। फिलहाल ये हम जो ये शूट कर रहे हैं वो क्लाइंट के घर पे ही शूट कर रहे हैं और क्लाइंट हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, तो हमने उनसे परमिशन ली। और देखिए इसी में मैं एक गोडॉक्स का रिवर्स ऑक्टा यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने फ्लैश को माउंट कर दिया है। और अब मैं इसे लाइट को और ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए सामने डिफ्यूज़र लगा दे रहा हूँ। दोस्तों इसमें आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि मेरे फ्लैश का जो मुंह है या फ्लैश का जो हेड है वो उल्टा है, यानी कि लाइट पहले उसमें आएगी, उसके बाद रिवर्स होके यहाँ पे लाइट वापस मुझे मिलेगी। और ये हमने बेबी को सुला दिया हुआ है, सुला के हमने उसे एक खरगोश जैसा लुक देने के लिए एक छोटा सा प्रॉप्स भी यूज़ किया है। और अब मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये उसकी फ़ोटो है। बहुत सारी फ़ोटो हमने क्लिक की और जैसे ही फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो बेबी जो था वो उड़ गया था, उड़ गई थी। और ये देखिए यहाँ पे है आपका सेकंड सेटअप। हमने क्या किया, एक टोकरी में फर वाले कपड़े लगाए हुए हैं, ऊपर फ्लावर से थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है। और बेबी को प्रॉपर सुलाने के बाद, ये सेकंड शूट है दोस्तों, सेकंड थीम हमने यूज़ किया, उसे प्रॉपर सुलाने के बाद हम बहुत आहिस्ते से पोजिंग दे रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी साउंड नहीं है, हम सारे जितने भी यहाँ पे शूट करने के लिए आए हुए हैं सारे के सारे बिल्कुल शांत हैं, सिर्फ कैमरे की क्लिकिंग और फ्लैश का जो लाइट है बस वही आ रहा है। और मैं सिंगल शूट कर रहा हूँ, 40mm का लेंस इसमें लगा हुआ है, गोडॉक्स AD200 फ्लैश है और साथ में X1 ट्रिगर है। अलग अलग पोजेज इसके लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर का फर वाला कपड़ा मैंने बैक पे लिया हुआ है और साथ में ऑरेंज कलर पे मैंने बेबी को लिटाया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट कलेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। मेरे स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जो कि लाइव वीडियो बना रहे हैं, इसका लाइव हमने फेसबुक में भी डाला था काफ़ी पहले, कुछ समय पहले की बात है, 10-15 दिन हो गए इस बात को। और इसका ट्यूटोरियल आप अभी हमारे सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों बेबी फोटोग्राफी जो है बहुत ईजी है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि पेशेंस वाली बात है। जब तक बेबी को प्रॉपर नींद नहीं आती, या अब देखिए जैसे हम पोजिंग बना रहे हैं और इस दौरान अगर वो उड़ जाता है या उड़ जाती है तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से बेबी शूट कर रहे हैं। और आप बेबी शूट में कंटिन्यूस लाइटिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम उसे एक डिफरेंट पोज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बेबी शूट कर रहे हो और आपके साथ कोई लेडीज़ पार्टनर हो, या फिर यहाँ पर तो उनकी मम्मी है साथ में, बट हम मैक्सिमम जो वर्क है वो हम ही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। बेबी बिल्कुल 6 दिन हुआ था बेबी को आए हुए इस दुनिया में और हमने उसका बेबी शूट किया है। ये देखिए थीम नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा थीम नंबर 4 है। और इसके बाद भी एक थीम है जो हमने वाइट ड्रेस पे शूट किया था, बट वो शायद उसका वीडियो हम किसी कारण से नहीं ले पाए, हम काफ़ी लेट हो रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से, यहाँ पे हमने फ्लावर पेटल्स यूज़ किया है और जो टोकरी थी वो हमने चेंज कर दिया, उसका पोजीशन फ्रंट से ले रहे हैं हम कुछ। अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने प्रॉपर लेग्स को फोकस करके फेस को डिफोकस किया हुआ है। ये फ़ोटो आगे चल के आप कल के एपिसोड में देखेंगे, कल आप देखेंगे कि हम इन फ़ोटोज़ को रीटच कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, आई होप आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप हमें बिल्कुल फ़ोन करिए या फिर मैसेज करिए, और हम आगे कल के एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से बेबी शूट के फोटोज़ को रीटच करते हैं। आज का ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।